गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये सिंगल कंप्रेसर का पैकेज यूनिट है, जामिल का है। इसमें कंप्लेंट ये था कि हर कुछ देर के बाद ब्लोअर कॉन्ट्रेक्टर का जो ओवरलोड है वो बंद हो जा रहा है। रीज़न ये था कि जो ब्लोअर कॉन्ट्रेक्टर का जो ओवरलोड है वो रेटेड एम्पेयर्स का 5.3 है, लेकिन एक्चुअल वो ज़्यादा ले रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार वो ट्रिप कर रहा था। अब यहाँ से देखो, टेक्नीशियन ने क्या किया, वो बार बार ट्रिप कर रहा था, तो उसने क्या किया कि उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो उसने ये किया कि पीसीबी में L1 दिख रहा है ना, L1 से यानी फेस लाइन से उठा के डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर कोयल में वो डाल दिया। इससे क्या हुआ कि वो डायरेक्ट हो गया वो, क्योंकि हर कॉन्ट्रेक्टर में न्यूट्रल लाइन लगा रहता है, हर कॉन्ट्रेक्टर में, कंप्रेसर में, ब्लोअर में और फैन में। उसने तीनों में जंपर लगा, तीनों में फेस दे दिया डायरेक्ट, क्योंकि वो जो बार बार ट्रिप कर रहा था तो उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, इसलिए नहीं किया उसने। तो उसने क्या किया कि पीसीबी में जो फेस लाइन है वहाँ से उठा के देखो, ये फैन का है, उसके बाद वाला ब्लोअर का है, ये फैन है, ये ब्लोअर है और कंप्रेसर, वो तीनों को फेस जंपर दे दिया। तो जो रीज़न ये था, तो वो ट्रिप कर रहा था, ट्रिप इसलिए कर रहा था क्योंकि रेटेड 5. देखो कितना ले रहा है, 6.7 ले रहा है, तो 6.7 ले रहा है, एक्चुअल ले रहा है, लेना नहीं चाहिए, ले रहा है, और रेटेड कितना है, 5.3 है। रेटेड आपको नेम प्लेट में दिखाते हैं, 5.3 है, तो ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था। तो उसने वो बार बार ट्रिप कर रहा था, तब वो किसी टेक्नीशियन ने उसने वहाँ पर इसको जंपर लगा के इस तरह से डायरेक्ट पावर फेस लेके, तो वो फिर कंप्रेसर वो, क्योंकि उसको कूलिंग भी मेंटेन करना था, वो ठीक है कूलिंग मेंटेन करने के लिए ठीक था, प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये सेफ्टी के रूल्स के सही नहीं है, क्योंकि अगर बाय चांस किसी भी कारण से अगर गैस लीक कर गया तो फिर सेफ्टी तो नहीं है, सेफ्टी नहीं है वो, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम था साइट टेक्नीशियन को, क्योंकि वो नया यूनिट था तो, और टेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो क्योंकि फिर वो टेम्परेचर भी उसको मेंटेन करना था। तो यहाँ पर देखिए, आप इस पे दिख रहा है, अगर आप इसको नेम प्लेट पे गौर करें तो ब्लोअर का 5.3 लिखा हुआ, 5.3 रेटेड एम्पेयर लिखा हुआ है, तो एक्चुअल 6.7 ले रहा था, तो है ना, तो उसको इसलिए वो बार बार ट्रिप कर रहा था और कोई रीज़न नहीं था। तो अभी हम लोग उसको क्या करेंगे कि उसका CFM जो एम्पेयर कम करेंगे, तो पहले भी हमने बताया बहुत सारे 2-3 वीडियो में कि उसकी एम्पेयर कैसे कम करते हैं, तो पुली को एडजस्ट करेंगे और क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में पुली को खोलेंगे। अगर उस तरह से आप खोलेंगे, घड़ी का उल्टा घुमाना है मोटर पुली को, क्योंकि ब्लोअर पुली हमेशा अक्सर वो फिक्स टाइप का आता है, उसमें थ्रेडिंग नहीं होता है, जो पुली में थ्रेडिंग, अभी हम उसको एडजस्ट कर लिए हैं, अभी एडजस्ट करके वो हम एडजस्ट कितना अभी ले रहा है, अभी 4.9 या 5 ले रहा है, अभी सही है, क्योंकि 5.3 था और अभी एक्चुअल आपका 4.95 ले रहा है, सही है। तो इस तरह से कभी भी जंपर नहीं करे, कभी नहीं करे, अगर टेम्परेचर मेंटेन भी करना है तो इस तरह से नहीं करे, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ के ख़िलाफ़ है और सही नहीं है। बाय चांस अगर किसी कारण से लीक हो गया या कुछ हो गया या फैन मोटर जाम हो गया तो नए ऐसी है, ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस, तो सेफ्टी नहीं है। अगर डायरेक्ट आप कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर को पावर देंगे तो वो क्या होगा, ये हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो पावर देंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि उसको लगातार पावर जाएगा और सेफ्टी से ये बाहर है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो किसी और जरिए से चला सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो यही प्रॉब्लम था इस पर, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।